अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस बारे में डिबेट करेंगे वो है मेंटली स्ट्रॉन्ग। हमारा मेंटली स्ट्रॉन्ग होना क्यों जरूरी है, इससे हमें क्या हासिल होता है, आज इस बारे में हम डिबेट करेंगे। इसमें अगर हम फिजिकली स्ट्रॉन्ग को जाने, क्योंकि हमारा मेंटली स्ट्रॉन्ग फिजिकली स्ट्रॉन्ग ये आपस में कनेक्ट होते हैं। हमारा फिजिकल स्ट्रॉन्ग होना, हम जिम ज्वाइन करते हैं, हम मसल बनाते हैं। इसकी एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हमारे सामने एक वजन रख दिया जाए, एक ऐसा वजन जो दिखने में तो भारी हो और कहा जाए हमें उठाने का, तो उसकी तीन सिचुएशंस होंगी जिससे हम मेंटली स्ट्रॉन्ग को कंप्लीट जान लेंगे। पहली सिचुएशन ये होगी कि हमें कहा जाए कि वजन उठा, तो हमने वजन को देखा, वजन पे गौर किया और हमने ये फैसला किया कि हम इसे नहीं उठा सकते। पहली सिचुएशन में हमने ना कर दी, हमने उठाए बगैर ना कर दी। दूसरी सिचुएशन में हमने वजन को देखा, हमने वजन पे गौर किया, हमने वजन को उठाया, थोड़ा सा आगे चले, थोड़ा सा टाइम लगा, थोड़ी सी एफर्ट लगी, थोड़ी सी विल पावर इस्तेमाल हुई, आगे गए, वहां पे हमने वजन रख दिया और कहा हम इसे नहीं उठा सकते। तीसरी सिचुएशन ये होगी कि आपने वजन को देखा, आपने इरादा किया, आपने अपनी विल पावर को मजबूत किया, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस था, आपने उसको उठाया, वजन को उठा के आप आगे लेके गए और काफी टाइम तक आप आगे लेके और अपने डिस्टेंस तक पहुंच गए, अपने मुकाम तक पहुंच गए और इस तरह आपने अपना पर्पस, अपना गोल कंप्लीट कर दिया। तो हमारे पास जो तीसरी सिचुएशन है वही हमारे मेंटली स्ट्रॉन्ग की सिचुएशन है कि ऐसे ही हमारा अगर मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाए हम, तो हमारे साथ हमेशा तीसरी सिचुएशन आएगी कि हमारा गोल, हमारा पर्पस, हमारा ड्रीम वो हमारे मकसद तक लाजमी पहुंच जाएगा। कुछ पॉइंट्स एम मोरन ने दिए हैं अपनी किताब के अंदर कि जिनको जब हम जान लेते हैं तो यकीन हम मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और अगर हम उनको जानते भी हैं उनको दोबारा रिपीट कर लेते हैं तो हमारे माइंड के अंदर रिपीट करने से दोबारा वो सेल्स उजागर होते हैं जिससे हमारा मेंटली स्ट्रॉन्ग ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाता है। जिसमें पहला पॉइंट ये है कि आपकी एनर्जी, आपकी पावर को कोई जाया नहीं कर सकता, कोई उसको आपसे छीन नहीं सकता और आपके नजरियात को कोई बदल नहीं सकता। तो इसलिए हमें अपने पावर पे पूरा यकीन रखना चाहिए और अपनी पावर को एक्शन में बदलना चाहिए। अब पावर को एक्शन में बदलने के बाद हमारा ज्यादा अगर हम फीडबैक का इंतजार करेंगे और ज्यादा हम क्रिटिसिज्म करेंगे तो यकीन हम उलझ के रह जाएंगे और हम मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं रह सकते। इसके अलावा जब हम इससे आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद हम शाय फील करेंगे, अपने काम से शाय फील करेंगे, और इसके अलावा जब हम कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ेंगे, डिसकंफर्ट जब तक नहीं होंगे तब तक हम मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। इससे अगले पॉइंट चलते कि हमारा जो फोकस होगा, फोकस हमारा कैसा एक तरफ रहे, एक तरफ हमारा सीधा फोकस रहे। तो अगर हम उस चीज पे फोकस करें जो बदली जा सकती है तो यकीन हमारा फोकस ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो जाएगा। अब फोकस के बाद अगर हम दूसरों को खुश करना चाहते हैं, एम्बोरन का कहना है कि आपको दूसरों को खुश नहीं करना, आपको सिर्फ अपने आप को खुश रखना है और आपको हर किसी को रिप्लाई नहीं करना, आपको अपने आप को खुश रखना है। और जब आप अपने आप को खुश रखेंगे तो ऑटोमेटिक आपसे सारे खुश हो जाएंगे। इससे अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं कि एम्बोरन का कहना है कि हमारा दूसरों को खुश ना करना और दूसरों में खुशी अपनी ना ढूंढना, अपनी खुशी अपने में ढूंढना, इसमें जब हम पॉइंट में आते हैं तो यकीन हम आदर्श स्ट्रक्चर को जान लेते हैं और आदर्श स्ट्रक्चर को जानने के बाद हम आते मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। लेकिन अभी भी हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिनको जानने के बाद हम कंप्लीट मेंटली स्ट्रॉन्ग के प्रोसीजर को जान लेते हैं, उसके बाद सिर्फ हमें एक एक्शन लेना होता है जिससे हम मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। अब मेंटली स्ट्रॉन्ग होने से हमारा जो एम मोरन का कहना है कि आपने जब एक्शन लिया, आपने जब शाय को अपने आप से हटा दिया, आपने जब अपना फोकस एक तरफ कर दिया, आपने जब अपनी खुशी अपने में ढूंढना शुरू कर दी, तो उसके बाद आपको हार नहीं माननी, क्योंकि जब आप हार मान लेंगे, पीछे हट जाएंगे, तो यकीन आपका पर्पस आपसे भी पीछे हट जाएगा। जहां पे आप रुक जाएंगे वहां पे आपका पर्पस भी रुक जाएगा। तो इससे आगे चलते जब हार नहीं मानी तो एम मोरन कहना है कि अगर हम किसी से हसद करेंगे, हम किसी से जलेंगे, तो यकीनन कामयाबी ऐसे शख्स के पास नहीं आती जो कामयाब इंसान से जलता है, क्योंकि कामयाबी कहीं ना कहीं सुन रही होती है और वो ऐसे इंसान के पास नहीं आना चाहती कि जो कामयाबी से जले उससे हसद करे। इससे आगे जब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, तो एम मोरन का कहना है कि जब आप ये पॉइंट भी क्लियर कर जाते हैं तो उसके बाद आपके पास आपकी मंजिल ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन आपको अभी भी कुछ पॉइंट्स को फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें हमारे पास अगला पॉइंट आता है जो कि बहुत अहम पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सिंपल पॉइंट है लेकिन बहुत पावरफुल पॉइंट है। वो ये है कि हमारा जब हार हमने ना मानी, हम डटे रहे, हमने अपनी विल पावर इस्तेमाल की, हमने अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा दिया और इसके साथ हमने दूसरों से जलना छोड़ दिया, अपनी गलतियों को ढूंढना शुरू कर दिया, अपने अगले जो पॉइंट में होगा वो हमारा ये होगा कि हमें अकेलेपन के साथ वक्त गुजारना पड़ेगा, हमें अपने अकेलेपन को अपने ऊपर लाना पड़ेगा, हमें अपने अकेलेपन में खुश रहना पड़ेगा। और जब हम अकेलेपन का सामना करेंगे तो हमारे अंदर से कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिनके
आंसर देने के बाद हम अपने नतीजे के बहुत करीब होंगे। और एम वॉलर का कहना है कि जब हम अकेले पन से भी गुजर जाएंगे इससे को भी हम अचीव कर लेंगे तो हम मेंटली स्ट्रॉन्ग 90% बन जाएंगे। अभी भी 10% रहता है क्योंकि वो 10% है हमारा नतीजा। और हमारे नतीजे का हमें इतनी बेसब्री से इंतजार होता है कि हम कहते हैं कि हमारा नतीजा बहुत जल्दी से जल्दी आए। एम वॉलर का कहना है कि अगर हम अपने नतीजे पे बिल्कुल जुड़े रहे, अपने नतीजे के बारे में ज्यादा सोचने लगे, जबकि हमारी वहीं पर प्रोग्रेस रुक जाएगी। इस तरीके की एक एग्जांपल उन्होंने पेश किया जिस तरह एडिसन ने 1400 इन्वेंशंस के बाद 1400 ऐसी इन्वेंशंस जो उनकी सक्सेसफुल नहीं रही उसके बाद जाके बल्ब की इन्वेंशन हुई, तो उनसे किसी ने इंटरव्यू में पूछा कि आपकी कामयाबी का राज क्या है, तो उन्होंने ये बताया कि मैंने कभी भी अपनी प्रोग्रेस को, अपनी पिछले दिन की प्रोग्रेस को, जो दिन गुजर गया उसके प्रोग्रेस को नहीं याद किया, बल्कि चढ़ते सूरज के साथ मैंने अपने अगले प्लान को फॉलो किया। और कहते हैं बहुत दफा मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि मैंने प्लान रिपीट कर दिया लेकिन फिर भी मैंने प्लान चेंज करने की कोशिश की, अपने एक्सपेरिमेंट को बदलता रहा और इस तरह मैंने बल्ब की इन्वेंशन कर दी। तो इसी तरह हमारे हमें भी एम मोरन के कुछ स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए जिससे हम भी मेंटली स्ट्रांग बन सकते हैं। इसी तरह हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है।